हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हो, पबजी का न्यू वर्जन आ चुका है। मेरा मतलब है कि न्यू अपडेट आ चुका है, तो इसमें चार न्यू फीचर भी आ चुके हैं। और इसके साथ साथ पबजी का जो सारा सेटिंग था वो भी चेंज कर दिया है इन लोगों ने। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या क्या नए फीचर आए हैं और साथ साथ बहुत तब्दीलियां उन लोगों ने अंदर की हुई है। तो आज मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताऊँगा कि वो क्या क्या है। तो अगर आपने इसी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलते वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हो कि स्क्रीन का जो आप लोगों को नज़र आ रहा है वो तो पहले से एक जैसा है। यहाँ पर जो मैप का लोकेशन जो था वो चेंज कर दिया और यहाँ पर आउटपुट जो है वो वैसा कि वैसा है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक एक चीज़ दिखा दूँगा। तो यहाँ पर हम चले जाते हैं यहाँ पर सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आप लोगों को यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आप लोग ऊपर देखो तो यहाँ पर चार न्यू ऑप्शन आ चुका है, यानी ऑटो जंप आ चुका है। और यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन टैप द सेम, ये चार ऑप्शन नए नए आ चुके हैं। तो इसको आपने कर देना है इनेबल। जो डिसेबल है इसको आप कर दो इनेबल, क्योंकि ये बहुत अच्छे फ्यूचर है गेम में। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा गेम के अंदर कि ये क्या क्या वर्क करते हैं। तो अगर इसके बाहर हम जाए कंट्रोल में आ जाए तो कंट्रोल वैसे कि वैसा है, लेकिन ऊपर आपको एक निशान दिख रहा होगा कि जिसके ऊपर लिखा है यूर 4x4 न व्यू 4x4 दे सॉरी। तो आप लोग को नज़र आ रहा है। और बाकी का जो ग्राफिक्स वगैरह है वो ओल्ड है, यानी इसमें कोई तब्दीलियाँ नहीं किया है। अगर इसको सेटिंग में फिर से आ जाए तो यहाँ पर सेटिंग का जो नज़ारा था आप लोगों ने देख लिया, तो वो भी चेंज कर दिया है। यहाँ पर वो इस चीज़ों को भी चेंज कर दिया है उन लोगों ने। कंट्रोल के अंदर अगर हम लोग देखें तो इधर सब के सब ओल्ड जैसे। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक एक दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सब चीज़ें जो है वो चेंज कर दिए हैं उन लोगों ने। तो इसके बाद हमारे पास आते हैं इवेंट के ऊपर क्लिक करते थे तो हमारे को दूसरी ऑप्शन आ जाती, लेकिन आप लोग अब देख सकते हो कि कैसे ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। तो यह इसी तरह से बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट में मुझे बताइए कि कैसे लग रहा है आपको। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक एक दिखा रहा हूँ कि कैसे उन्होंने तब्दीलियाँ की है। यार ये अपडेट तो मुझे सचमुच में जो है मुझे पसंद आ गया। तो यहाँ पर हम आरपी के अंदर जब आते हैं तो यहाँ पर बोनस भी देंगे, यानी आरपी पॉइंट का। तो यहाँ पर हम फिर से आ गए, यहाँ पर ये न्यू इवेंट आ चुका है। अगर आप लोग खेलना चाहते हो, इस इवेंट को करना चाहते हो तो कर सकते हो। और यहाँ पर जो प्लेयर्स को इनवाइट करने का जो ऑप्शन था वो इसको थोड़ा छोटा कर दिया है उन लोगों ने, ये बहुत अच्छा है। यहाँ पर अपनी प्रोफाइल देखना, ये बहुत अच्छा है। अगर हम अपनी प्रोफाइल को देखना चाहते हैं तो यहाँ पर सारे के सारे ऑप्शन होंगे, बेसिक इनपो, यहाँ पर हमारे केडी कितना बता रहे हैं ये लोग, और जो टाइटल वगैरह है वो तो ओल्ड की तरह है, इसमें कोई तब्दीलियाँ नहीं की उन लोगों ने। तो यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ मेरा ये सारा सीज़न का जो गेम है वो बता रहे हैं। 544 किल मैंने किए, तो 2 के आसपास केडी है। ये आपको जो गेम के अंदर आप लोगों ने कितनी एक्सपीरियंस दिए है, यानी माइनस का है या प्लस का है। तो यहाँ पर आप लोग टाइटल वगैरह की जगह पर देख सकते हो। यहाँ पर ये ऑप्शन जो नया आया है इस पर मैं इसको नहीं जानता, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा ज़रूर। आप लोग देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और यहाँ पर जो मिशन वाला ऑप्शन है इसको भी तब्दील कर दिया। आप लोग देख सकते हो कि मिशन के जो अंदर वो वाला है ना ऑप्शन, इसको भी तब्दील कर दिया है उन लोगों ने। तो भाई साहब तो बहुत अच्छा लगा यार। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और एक एक चीज़ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, ये हो ये ऑप्शन भी पुराने वाले, मेरा ख्याल से पुराने वाले, उन्होंने नहीं देखना चाहिए हमें। तो यहाँ पर हम अगर आउटपिट के आ जाए तो हमने एक बार दिखा दिया था सॉरी, तो वापस चले जाते। यहाँ पर क्लैन भी ओल्ड की जैसा है, यानी पुरानी जैसा है, इसमें कोई तब्दीली नहीं की है। अगर हम मैप्स के अंदर चले तो मैप्स के अंदर आप लोग देख सकते हो कि सारा का सारा प्रोसेस उन लोगों ने जो है तब्दील कर दिया है। यहाँ पर रैंक आपको नज़र आ रहा है, एक रैंक है। यहाँ पर अगर हम किसी के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो आ जाती है सिनाक के ऊपर मैंने क्लिक किया, वो आ गया। यहाँ पर रिंक के अनरिंक्ड, तो यहाँ पर अगर आपकी रिंक, मेरा रिंक अभी एस चल रहा है तो
तीन दिन में वो तब्दील हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मैंने अभी तक इसको डाउनलोड नहीं किया हुआ, यानी मैप्स अभी डाउनलोडिंग में पड़ी हुई है। तो यहाँ पर चीर पार्क के अंदर चलते इसको तो तब्दील नहीं किया, पता नहीं है अभी देखते कि इसको उन्होंने जो कि है हमारा मतलब है कि तब्दील कर दिया है कि नहीं। यहाँ पर आप लोग डिस्प्ले के ऊपर देख सकते हो कि नया वाला ऑप्शन आ चुका है, लेकिन अभी तक हमने गेम नहीं खेला। तो अंदर आके ये तो पुराने जैसा लग रहा है, तो वापस से निकल जाते। इस चैनल के ऊपर आपको सबसे अच्छी वीडियो और अगर किसी भी झूठ की वीडियो आपको इस चैनल के ऊपर मिल गई तो आप बेशक इस चैनल को जो है अनसब्सक्राइब कर सकते हो और मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपके ये चैनल झूठ के ऊपर बना है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को जो भी वीडियो आएगी सच आएगी इंशाल्लाह इस चैनल के ऊपर जो भी वीडियो आएगी वो बिल्कुल सच होगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि सेटिंग में हम गए तो ये ऑप्शन दिखा रहे हैं हमें, तो इसके ऊपर तो मैंने जानता कि ये क्या चीज़ है, मगर जिन भाई को भी पता है तो प्लीज़ बता दे। और ये जो आपको सारी वीडियो मैंने दिखा दी इसलिए कि आप लोगों को समझ में आ जाए कि न्यू अपडेट में क्या क्या फ्यूचर आ चुके। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए वस्सलाम।